स्वागत है आप सभी दर्शकों का माई गैजेट एक्सपीरियंस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में नया लॉन्च हुए ओबेज ST244 का अनबॉक्सिंग, कंप्लीट रिव्यू और साउंड टेस्ट किए थे। इस वीडियो में दूसरा नया लॉन्च हुआ डुअल टावर स्पीकर सिस्टम ओबेज DT31 का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और साउंड टेस्ट करेंगे। इसे मैंने अमेजन से डिस्काउंट को मिस करते हुए 6000 रुपए में खरीदा था। यह ओबेज DT21 का अपग्रेडेड मॉडल है। मुझे यह इस तरह के बॉक्स में मिला है। ओबेज हमेशा ही अच्छे से पैक करके अपने स्पीकर सिस्टम को भेजता है। बॉक्स के अंदर दोनों टावर स्पीकर रखे हुए हैं, रिमोट कंट्रोलर और केबल्स के पैकेट भी रखे हुए हैं। मिलने वाले एक्सेसरीज में वेलकम कार्ड और वारंटी कार्ड, वही रिमोट कंट्रोलर, एक वही पुराना यूजर मैनुअल, कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन, 2 RCA2 ऑक्स केबल, 2 RCA2 2 RCA केबल और एक FM एंटीना केबल है। तो फाइनली यह डुअल टावर स्पीकर ओबेज DT31 हमारे सामने रखे हुए हैं। दोनों का क्लासिक वुडन लुक सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इसमें 7mm MDF वुडन बोर्ड का यूज किया गया है। दोनों का लुक एक जैसा है। इस बार ओबेज ने अपना लोगो चेंज किया है, जिससे इस टावर स्पीकर में नयापन दिख रहा है। दोनों टावर स्पीकर में 5.25 इंच के वूफर ड्राइवर लगे हैं, इसलिए सामने बेस रिफ्लेक्स पोर्ट दोनों में है। सामने ही दोनों में 3-3 इंच के दो दो फुल रेंज ड्राइवर फिट किए गए हैं, जिन्हें क्लॉथ मटेरियल से ढकी गई है। राइट वाला टावर स्पीकर मेन यूनिट है, इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर, सर्किट कंट्रोल मॉड्यूल लगे हैं, जिसके कारण इसका वजन ज्यादा है। ओबेज के बाकी स्पीकर की तरह इसमें कनेक्टिविटी के सारे जरूरी पोर्ट, USB, ऑप्टिकल, SD कार्ड स्लॉट, 2 RCA और FM रेडियो के लिए पोर्ट है। इस नए मॉडल में भी ऑक्स पोर्ट हटा दिए हैं, जो कि सच में ठीक से काम नहीं करता था। साइड में वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल कंट्रोल के लिए रेगुलेटर दिए हैं और 6 फीट का पावर केबल भी है। इस मेन यूनिट टावर स्पीकर को दूसरे टावर स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट दिए हैं। इनसे कनेक्ट करने के लिए दूसरे स्पीकर में 8 फीट लंबे 2 अलग अलग केबल दिए हैं, जो कि स्पीकर ड्राइवर और वूफर के लिए अलग अलग है। दोनों टावर स्पीकर मिलकर टोटल 100 वाट RMS का आउटपुट देते हैं, जिनमें दोनों वूफर यूनिट 30-30 वाट के हैं और चारों स्पीकर ड्राइवर 10-10 वाट के हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 है। इस प्रकार डिजाइन और स्पेसिफिकेशन इस टावर स्पीकर का बहुत अच्छा है। यह क्लासिक लुक के साथ साथ स्टाइलिश भी दिख रहा है। ओबेज DT31 को साउंड टेस्ट करने से पहले 20 दिन तक अच्छे से यूज किए हैं, इसलिए इसका बर्निंग पीरियड पूरा हो चुका है। अब दोनों टावर स्पीकर को साउंड टेस्ट के लिए कनेक्ट करते हैं। इनके केबल 8 फीट लंबे हैं, इसलिए दोनों टावर स्पीकर के बीच मैक्सिमम 8 फीट की दूरी रख सकते हैं। अब हर इनपुट मोड से ऑडियो प्ले करेंगे। डुअल टावर स्पीकर में बेस के लिए 5.25 इंच के दो वूफर ड्राइवर है। वोकल्स और ट्रेबल्स के लिए 3 इंच के टोटल 4 फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर है। यह सब ड्राइवर मिलकर वाइड रेंज के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यह डुअल टावर स्पीकर जितना सुंदर दिखता है, इससे उतनी ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी भी मिलती है। इसका साउंड सुनने में प्लीजेंट लगता है, जो कि मेलोडियस टाइप का है। डिसेंट लोअर बेस और वोकल्स बहुत अच्छे से क्लियर सुनाई देता है। डायलॉग्स और कई तरह की आवाज सही इंटेंसिटी के साथ क्लीन और क्लियर सुनाई देता है। लोअर बेस जब रूम में गूंजता है, वो सच में बहुत प्लीजेंट लगता है और यही बेस डायलॉग्स में भारीपन लाता है। रॉय एजेंट कोई ढूंढ रहे हो ना? बंदा हाजिर है। क्या मतलब? तेरे सवालों का जवाब देकर मैं कौन सा करोड़पति बनने वाला हूँ?
ट्रेबल्स भी अच्छे से क्लैरिटी के साथ सुनाई देता है। इसकी साउंड में बेस कंटेंट को हल्का सा बूस्ट किया गया है, फिर भी वोकल्स और ट्रेबल में बिल्कुल भी कमी नहीं लगता। हाई वॉल्यूम में भी प्ले किया है, ऑडियो में डिस्टॉर्शन का पता नहीं चलता है, हाई वॉल्यूम में भी क्लियर ऑडियो सुनने को मिलता है। यह डुअल टावर स्पीकर है, इसलिए स्टीरियो इफेक्ट सही से सुनाई देता है और इतना लाउड है कि एक मीडियम साइज का रूम साउंड से भर जाता है। आप पुराने सॉन्ग, नए सॉन्ग, मूवी जो प्ले करें, सभी के लिए सुटेबल है। बेस और ट्रेबल ऑडियो कंट्रोल इसमें किया जा सकता है, कुछ साउंड मोड भी मिलेंगे। कनेक्टिविटी बिल्कुल हैसल फ्री है, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ब्लूटूथ से भी पेयरिंग क्विकली हो जाता है। FM रेडियो भी चलाया है, दिए बटन से स्टेशन सर्चिंग, वॉल्यूम, स्टेशन स्विच हो जाता है। इसके FM केबल को यूज जरूर करें, तब बेस्ट सिग्नल मिलेगा। ये तो थी ओबेज DT31 डुअल टावर स्पीकर की अच्छी बातें। यहाँ इनका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। अब इसके बारे में ऐसी बातें भी जान लेते हैं जो खरीदने से पहले जानना जरूरी है, जिनमें कुछ कॉन्स या कमी भी मिलेंगे। तो सबसे पहले ओबेज DT31 एक डुअल टावर स्पीकर है। इसके मेन टावर स्पीकर को सिंगल टावर स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको न्यूज डिबेट सुनना है तब ठीक है, लेकिन सॉन्ग मूवीज के लिए दोनों टावर स्पीकर को कनेक्ट जरूर करें। बेहतर स्टीरियो साउंड और रूम फीलिंग साउंड के लिए दोनों टावर स्पीकर को मैक्सिमम 8 फीट दूर तक रख सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए 2 RCA मेमोरी कार्ड स्लॉट, USB ऑप्टिकल पोर्ट है और ब्लूटूथ 5.0 भी है, लेकिन इस बार ऑक्स पोर्ट को हटा दिया गया है। ऑप्टिकल पोर्ट से बेस्ट साउंड मिलता है। ऑप्टिकल पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए बढ़िया क्वालिटी का ऑप्टिकल केबल यूज करें। टीवी में PCM ऑडियो को सेलेक्ट करें। जब टीवी से ऑप्टिकल पोर्ट द्वारा कनेक्ट करते हैं तब इस स्पीकर सिस्टम से कभी कभी अचानक डिस्टर्बिंग नॉइस क्रिएट होता है जो इरिटेटिंग लगता है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ऑडियो प्ले करने पर ऑडियो डिले नेग्लिजिबल ही है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। रिमोट कंट्रोलर वैसा ही पुराने जैसा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, अभी भी ठीक से काम नहीं करता। स्पीकर से थोड़ा सा ही दूर हो जाए तब भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है इसका रिमोट कंट्रोलर इसके कंट्रोल मॉड्यूल के साथ आता है। जब यह मॉड्यूल चेंज होगा तभी रिमोट कंट्रोलर चेंज होगा। इस डुअल टावर स्पीकर ओबेज DT31 में 6 महीने की वारंटी मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से कम है, जबकि इसी ब्रांड के ही ओबेज HT244 में 1 साल की वारंटी दिए हैं। दूसरे कई ब्रांड भी 1 साल की वारंटी देते हैं। इस तरह दोस्तों, इनके कॉन्स या कमी को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो यह एक बहुत बढ़िया डुअल टावर स्पीकर सिस्टम है। इसकी साउंड क्वालिटी मेन अट्रैक्शन है। ऐसी साउंड क्वालिटी इतने प्राइस में शायद ही मिले, इससे ज्यादा प्राइस में भी दूसरे ब्रांड में मिलना मुश्किल है। अगर आपको लुक्स पे जाना है तब भी इसका लुक्स किसी दूसरे टावर स्पीकर से कम नहीं है। प्लास्टिक मटेरियल और कलरफुल लाइट यूज किए बिना भी इसका लुक क्लासिक और स्टाइलिश है और अपने 6,000 रुपए के प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। उम्मीद है यह स्पीकर और यह रिव्यू आपको पसंद आया होगा। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जरूर खरीदें और वीडियो को लाइक करें। आने वाली और वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।